तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के बारे में जो हियरिंग था वो ख़त्म हो चुका है एंड उसका फैसला क्या आया है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमदीप और मैं आप सभी को इंडियन स्पोर्ट 360 की और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे वेलकम करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है इंडियन फुटबॉल के लिए और भी बेहतरीन कॉन्टेंट्स लाने में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड COA ने सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट करने के बाद FSDL एंड स्टेट फेडरेशंस ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अपना इंटरवेंशन पिटीशन फाइल किया था। बिकॉज FSDL डज नॉट एग्री विद द प्रमोशन एंड रेलिगेशन सिस्टम मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो लोग ISL का कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं। और उधर स्टेट FS का ड्राफ्ट में लिखे गए 4 से 5 पॉइंट्स को लेके प्रॉब्लम है जो उनके फेवर में नहीं है, ये उनका कहना है। सो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने चारों पार्टीज को ये कहा है कि 28 जुलाई को नेक्स्ट एंड फाइनल हियरिंग होगी एंड उस दिन फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। तो 28 जुलाई मींस नेक्स्ट थर्सडे एंड उससे पहले 25 जुलाई मतलब मंडे तक सुप्रीम कोर्ट में सारे ऑब्जेक्शंस जमा कर देना होगा थ्रू COA। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि दिस टू पार्टीज FSDL एंड स्टेट FS नीड टू मेक क्लियर नोट ऑफ देयर ऑब्जेक्शन, जो 2 पन्नों से ज़्यादा नहीं हो सकता है, देन इसे COA के पास भेज देना है एंड COA इसे सुप्रीम कोर्ट को देगा नेक्स्ट मंडे के अंदर। सो 31 जुलाई तक AIFF के AGM में कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हो जाना होगा एज पर FIFA डेडलाइन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन पास कर देता है, देन दे विल हैव ओनली 3 डेज टू पास द कॉन्स्टिट्यूशन बाई मेंबर एसोसिएशंस ऑफ AIFF। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर पास हो गया देन इलेक्शन होने में बस 1 महीने ही लगेगा। सो मे बी हम FIFA बैन से बच सकते हैं एंड नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी पॉसिबल। सो देखते हैं 28 जुलाई तक क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था आप सबको आज के इस वीडियो में, यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।